जानवर मत आते हैं यहाँ से। लिए यहाँ रोला जम गया भाई, सब देख रहे। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कभी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुलगाम। आज मेरा डे टू है कुलगाम में। अभी अभी नींद से उठे हैं मेहरान भाई ने खातिरदारी के लिए चाय। ये जो ये टी है ना, इसको पिंक टी कहती है, नून चाय जो कश्मीर की है। और ये कॉर्न है, कॉर्न ही उसको बोलते हैं ना, कश्मीरी में वट बोलते हैं, मकाई वट। और ये ब्रेड्स, लवासा, कुलचा और दे रहे हैं मेहरान भाई। सो बाकी चाय एंजॉय करेंगे। मेहरान भाई आज का प्लान क्या है? आज हम इससे पहले चाय के बाद प्लान करेंगे कहाँ जाएंगे। अच्छा। सो हाँ जी, इससे पहले वाले फ्रेम के बाद हम आए एक एप्पल ऑर्चर्ड्स में, जो सेब के बाग है। देखिए एक छोटे से पेड़ को कितने सेब उगे हुए हैं, गिने चुने कुछ सेब है। यहाँ से तो सेबों की फैक्ट्री है। ये कौन सी क्वालिटी का एप्पल होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिमजन। ये भी क्रिमजन है, क्रिमजन भी है। अच्छा, ये देखिए एप्पल का रंग आ गया है। पानी अच्छे से नहीं पहुँचा था, ठीक है, पानी की प्रॉब्लम होती थी बहुत यहाँ पर, ठीक। तो हमने प्लान किया इसमें आकर नई पेड़ लगाएंगे। हमने यही प्लान किया कि इसमें। सो हाँ जी, हम निकल चुके हैं मेहरान भाई के घर से और अब जा रहे हैं हम अखाल की तरफ। सबसे पहले फ्यूल टैंक कराना है फुल, वो किधर मिलेगा? आगे मैं बताऊंगा ना, तब खुद दिख जाएगा। तभी हम पेट्रोल फुल कराते हैं। सो पेट्रोल फुल करा है, A21 का फुल हो गया, इसमें कुछ तेल बचा हुआ था। सो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। एंगल मुझे पता नहीं है क्या आ रहा है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं यार एंगल सुधारने की, और एंगल ठीक ही आ रहा होगा। देव सर किलम, अभी हम स्टार्ट जाएंगे, बैंक के पास रुकना है, मेहरान भाई को कुछ करना है। जहाँ हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला, अखाल है उसका नाम, उधर ही हम जा रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, किस हाइट पे है हम, कितने टॉप पे है, और इन पहाड़ों के बीच बीच में ये बस्ती दिख रही है आपको। देखो ये कहाँ से आते होंगे, कैसे आते होंगे। और यहाँ के जो बंदे हैं कुलगाम के, इतने सॉबर, इतने प्यारे बंदे हैं, इतने प्यारे बंदे हैं। मेरे साथ अभी तक 4-5 वाक्या ऐसे हुए ऑफ कैमरा, और मैं रुका हुआ था, दूसरा बंदा आया, आ जाओ भाई, खैरियत है, सब खैरियत है, आ जाओ खाना खाएंगे। वो मैंने बोला नहीं भाई, मैंने खाना खाया है, थैंक यू फॉर आस्किंग। और उसने बोला चलो कोई बात नहीं। तो इसीलिए बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारी लोकेलिटी है कुलगाम की। लव फॉर कुलगाम, फ्रॉम नहीं, लव फॉर कुलगाम। ये देखिए किस जगह पे हम आए हैं, अमेजिंग जगह। ओ सेब पूरे तैयार हो गए। कुलसन अखाल तो पीछे था, अभी हम कुलसन पहुंच गए, जो इस गांव के नाम है कुलसन। यहाँ के अमेजिंग रिएक्शन देखो, रिएक्शन हमें कितने प्यारे प्यारे मिलेंगे। अच्छा, बाइक हमें इस जगह पे पार्क करनी है, सही है। देखिए किस जगह पे हमने पार्किंग रखी है। बाय बाय। ये तुम लोगों का ही दुकान है क्या? ठीक। वन से यहाँ से चढ़ना है। ओ भाई ये है, मैं थोड़ा ये खोलता हूँ, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, महरान भाई तो पूरा एक्सप्लोर करा रहे हैं हमें। देखिए कितनी प्यारी जगह है,
यहाँ से नीचे रास्ता, नलका खुला हुआ है यार, पानी जाया मत किया करो। बनने होता है, खराब हो चुका है। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मेहरान भाई के महियार। यहाँ आप देख सकते हैं कितना, मतलब ये थोड़ा पुराने टाइप का मकान है, इनका नया मकान उधर है, तो पुराने टाइप का मकान है। अभी देखिए मैं कितना यहाँ पूरा हाइट पे हो रहा हूँ, देख सकते हैं मकान है अनंतनाग में, जी पुरान। लेकिन यहाँ मैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अभी गर्मी कितनी हो रही है आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या होगी। बट यहाँ नेचुरल एसी है, अभी हम इस एसी में बैठेंगे और अच्छे से। बाकी ये रहा कंसोल इस पूरे रूम का। सो आ चुके हैं हम अखाल की इन लोकेशंस में। देखिए एक पहाड़ पे हम चल रहे हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं। हम घुसे थे सबसे पहले मेहरान भाई के नानी हाल, उनको हमने बोला कि नहीं अभी चाय नहीं पीएंगे, तो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं। वो देखिए हम मीर रोड की तरफ पहुंच रहे हैं। ये कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है हमारे कश्मीर की, तो इस वजह से यहाँ कोई नहीं आया होगा, कोई भी नहीं लोकल्स के बगैर। तो आ जाओ यहाँ घूमो, एक्सप्लोर करो, मेरा काम है आप सबको एक्सप्लोर कराने का। देखिए ये देखिए कितनी प्यारी जगह है। अब आगे मेहरान भाई हैंडल करेंगे। देखो कैसी जगह है, ये अननोन लोकेशंस है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भी बहुत सी सारी जगह हैं जो अननोन लोकेशंस हैं, जहाँ कोई अभी नहीं आया है। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लगभग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से लगभग 10 किलोमीटर। गुलमर्ग भी ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो यहाँ पे। देख लो हम कहाँ से जा रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ के लोकल से यहाँ से साइड साइड से रास्ता बनाया है, तो उसी रास्ते को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो उसको रास्ता घुसने को है उधर से, अंदर जाने को रास्ता है, तो हम वहाँ से घुसेंगे। क्यों जंगली जानवर मत आते हैं यहाँ से, आते हैं रात को, डियर वगैरह सब कुछ होते हैं, शेर भी होते हैं, डियर भी होते हैं, सब कुछ, सब कुछ होता है भाई। हाँ जी आप आ चुके हैं इस प्यारी सी लोकेशन पे, पीछे से व्यू देखिए और यहाँ से व्यू देखिए, पूरा एकदम पहाड़ और यहाँ से कुलगाम सिटी दिख रही है, मेन सिटी। सो अभी हम आ चुके हैं इस प्यारी सी लोकेशन पे यार, बहुत सारी अमेजिंग रील्स बनेंगी यार। ये अननोन लोकेशन है, जो भी इधर नहीं आया है यार आ जाओ व्लॉग बनाओ, बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है। अभी हम जा रहे हैं आगे, अभी देखेंगे आगे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। यहाँ मौसम पे भी कोई भरोसा नहीं है, अभी 5 मिनट पहले बारिश, 5 मिनट बाद धूप, तो इसीलिए पूरा तैयारी के साथ आना। यहाँ कैंपिंग साइट भी आप दिखा सकते हैं उनको, जो कैंप करना चाहते हैं इधर आराम से कैंप कर सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड इधर कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा यार। मेहरान भाई थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी लोकेशन दिखाई यार। एक बार उधर कुलगाम सिटी की तरफ इनको दिखाना है, कुलगाम सिटी आपको दिख रही होगी, वो देखिए कुलगाम सिटी है। तो बाकी अभी हम रील 2-3 बनाते हैं, तो उसके बाद आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छी जगह है इधर, फोटोज भी उठाते हैं, रील भी बनाते हैं। बाकी स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। सो बहुत टाइम इधर स्पेंड करके बहुत मज़ा आया इस वाली लोकेशन पे, मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगा इस वाली लोकेशन पे आओ ज़रूर। तो अब हम चलिए उठते और जाते हैं अपनी मेन जगह पे, मेहरान भाई के ननिहाल में चाय वाय पियेंगे, क्योंकि उनको आप बुरा लग जाएगा, चाय पियेंगे अच्छे से, उसके बाद हम वापस पैकअप करते और जाते हैं मेहरान भाई के घर, क्योंकि कल मुझे घर भी जाना है जरूरी, ठीक है ना। चलो ब्रो चलो। पूरे चाय वाय पी के हम निकले, अब इधर से फ्लैश बंद किए, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है चलाने की, क्योंकि ऑटोमेटिक नीचे उतरती है खुद ब खुद, वो भी 43 की स्पीड से। कबर चुका सुन बिछा दक्षिण, देखेंगे इस चढ़ाई पे किधर तक चढ़ेगी ये। अभी हम जा रहे हैं वापस मेहरान भाई के घर की तरफ, क्योंकि बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गए, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मेहरान भाई के घर पहुंचने की, फिर उसके बाद सी व्हाट विल हैपन। अभी मेहरान भाई रात के लिए सब्जी ले रहे हैं, ये यहाँ रोला जम गया है भाई,
सब देख रहे, सामने से भी देख रहे, मैं थोड़ा एम्बेरस हो रहा हूँ, और यहाँ से भी ये बंदे देख रहे थे। रिएक्शन जम रहे, बहुत क्यूट से रिएक्शन मिले मुझे उधर मार्केट में देखने को। अभी बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे। अभी राइट साइड से मेरे लोंडे चल रहे, देखो रिएक्शन देख रहे होंगे आप। हाँ, ये कौन सी बाइक है इधर? ओ एम टी को इनने एक नया लुक दे दिया है। रिएक्शन ही रिएक्शन, अंकल के रिएक्शन, छोटी के रिएक्शन, ज़्यादा ना बेसिकली जो बच्चे हैं ना, बच्चे लोग अट्रैक्ट होते हैं रेसिंग बाइक को। ये थोड़ा एग्रेसिव लुक है ना इसका, तो इससे हर कोई लड़की लड़का दोनों अट्रैक्ट होते हैं। ये देखो इनका रिएक्शन, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। बच्चों के रिएक्शन, ये देखो हमने कितने सारे रिएक्शन पकड़े। अब रखते हैं कैमरा बंद। परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेन